फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानोज एवरीथिंग। मैं हूँ अर्चना और आज मैं आपको स्वामी अड़गड़ानंद के आश्रम ले जाना चाहती हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में है। आप में से कुछ लोग वहाँ गए भी होंगे, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, तो आज मैं जाकर वहाँ देखना चाहती हूँ कि वहाँ सब कुछ कैसा है। सब बोलते हैं कि वहाँ घूमने लायक भी बहुत अच्छी जगह है, झील वगैरह है। तो चलिए आज आप भी मेरे साथ चल के देख लीजिए कि कैसी जगह है वो, ताकि आपको भी देखने को मिल जाए और कुछ आइडिया मिल सके कि आप भी वहाँ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। तो मैं फटाफट रेडी होके निकलती हूँ, तो आप भी आ जाइए पीछे पीछे। सो फ्रेंड्स, अब हम स्वामी अड़गड़ानंद के आश्रम में एंट्री ले चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी साफ सफाई है, इतना अच्छा और इतना शांति का माहौल है कि यहाँ पर आपका भी आने का मन कर ही देगा। तो अभी हम पार्किंग में हैं, हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर चलेंगे, तो आप भी चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अब हम आश्रम में आ चुके हैं और स्वामी जी भी आ चुके हैं प्रवचन के लिए। अभी उनके सेवक उन्हें ब्लैंकेट वगैरह उठाएंगे और वो कैप वगैरह पहन चुके हैं ठंडे से बचने के लिए। अगर आप उन्हें जानते होंगे तो आपको भी पता होगा कि इस बीच वो बहुत बीमार थे और कोरोना से भी लड़कर वो वापस आ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें स्वस्थ होने की मनोकामना की थी और उनके इलाज का अच्छा खासा व्यवस्था करवाया था। और अखिलेश यादव जी ने भी इस बारे में ट्वीट किया था। तो अब हम सब इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी के कुछ बोलने का। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी, जो उन पे विश्वास करते हैं, सब बैठे थे बाबा को सुनने के लिए। तो हम भी इसी आशा में बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी बाबा अपना प्रवचन दे और हम भी सुन सके कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका मतलब क्या होता है। इतनी उन्नति हो गई, तो हम लोग आराम से बैठ चुके हैं। अब बाबा ने अपना प्रवचन शुरू किया है, तो चलिए आप भी कुछ सुन लीजिए। गो गोचर जान लगी मन जाए, सो सब माया जाने ओ भाई। माना की गाय नाम का पशु है, माना की गुरुरोज को भी गाय कहते हैं, नहीं कहते हैं तो कभी नाम हो सकता है, लेकिन शास्त्र में गाय है। गो माने मन सहित इंद्रिय, अभ्यास इतना उन्नत हो गया चित्त की अंतःकरण की लाखों प्रवृत्तियां शांत हो गई, अंतिम विषय रूपी रस ले लिया, अंतिम खाना खा लिया, अंतिम पानी पी लिया, चित्त कहता चित्त अकर्ता हो गया। अब उसके करने का न शुभ संस्कार पड़ेगा न अशुभ, न चित्त करता न चिकेता। तब यम संयम सद गया तो यमराज आए, पद ले लो। ये देख सकते हैं आप, इधर इतने सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं बाबा को सुनने के लिए। फ्रेंड्स, ये बाबा जी के पीछे का आश्रम का दृश्य है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है सब कुछ। और मैंने सुना है यहाँ पे बाबा जी नहाने जाते हैं, यहाँ पे हमारा जाना वंचित है। ये देखिए यहाँ पे कितना कुछ सब्जी वगैरह रखा है, यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए सब आते हैं, यहाँ नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है, पूरा व्यवस्था है जो भी भक्त हैं श्रद्धालु हैं उनके लिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाने के लिए सब लोग बैठे हैं प्रसाद लेने के लिए, नाश्ता, कितनी लंबी लाइन है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज है जो कि सब्जी वब्जी काट रही हैं पीछे बैठ के, सब अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर देते हैं जिससे कि सबकी मदद हो सके और सबको अच्छे से प्रसाद मिल सके। यहाँ सब हाथ धो रहे हैं प्रसाद खाने के बाद। बहुत ही अच्छी साफ सफाई और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं जहाँ खाना पीना बन रहा है वहाँ भी कितनी अच्छी सफाई है। ये प्रसाद है, सब लोग प्रसाद खाने बैठे, बच्चे भी बैठे बहुत मन से। अब हम बाहर निकल चुके हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बाबा प्रवचन देते हैं जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो। अब हम झील के साइड आए हैं घूमने। ये बाबा के आश्रम के थोड़ी दूर पे ही है झील,
आप देख सकते हैं सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं यहाँ घूम फिर के, बिकॉज कोरोना टाइम में बहुत टाइम से हम लोग बहुत कहीं घूमे नहीं थे, बट ये बहुत ही रिस्की प्लेस है। यहाँ पे स्लिप बहुत स्लिप भी होता है और यहाँ पे प्री वेडिंग फोटोशूट भी हो रहा है जो कि हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे बंदर भी थे जिनकी वजह से हमें खाने पीने के सामान बहुत छुपा के रखनी पड़ रही थी। अब हमारा दर्शन भी हो चुका है और घूमना फिरना भी, सो हम अब वापस जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज चुनरी और प्रसाद की दुकान है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरें भी हैं। वैसे आते हुए हमें इमली के बगीचे भी दिखे, हमने इमली भी खाई, कच्ची इमली खाई, बहुत टाइम हो गया था इसलिए। जाते हुए हमें गंगा नदी भी मिली, आप यहाँ का भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी नदी है आपको पता होगा। सो हमारा दर्शन और सारा घूमना फिरना हो चुका है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू।